अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मैंने 5 आलू ले लिए, उनको बॉईल कर लिया। उसके बाद उसको ऐसे करके मैश कर लिया। उसके बाद जब वो उसमें से पानी खुश्क हो गया सारा, तो उसमें कॉर्नफ्लावर डाल दिया 5 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया। याद रहे कॉर्नफ्लावर जब मिलाना है जब हमारा आलू में से पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। गीले आलू में हमें कॉर्नफ्लावर नहीं डालना। फिर किसी भी तरह की शेप दे देनी है। मैंने ऐसे छोटा सा पेड़ा बनाया, उसके बाद उसमें कैप की मदद से शेप दे दी। अगर आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल पर और भी बहुत तरह की रेसिपीज़ मौजूद हैं, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। फिर मैंने पानी उबाल लिया, उसमें जब बबल्स आने लग गए तो उसमें 8 से 10 मिनट तक इनको बॉयल कर लूँगी। उसके बाद बिल्कुल ठंडे फ्रीज़र के पानी निकाल के उसमें डाल दूंगी। उसमें से 2-3 मिनट तक डालना है, फिर निकाल के उसमें हमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून केचप, 1/2 टी स्पून काली मिर्च, 1/2 टी स्पून नमक और 1 टेबल स्पून चाट मसाला, कुटी मिर्च 1/2 टी स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून और गरम गरम तेल 5 टेबल स्पून। ये करके मिला लेंगे और मज़े से खाएंगे। अल्लाह।